मुझे नींद आ रही है। अरे कर रहा हूँ भाई, समझ में नहीं आ रहा है। अरे ये दरवाजा किसने खुला रख दिया? अरे अरे ऐसे तो चोर घुस जाएंगे। कसम धर्मेंद्र जी की, पुरानी हवेली, अपने ही घर का माल लेकर कहाँ जा रहे हैं? पापा जी, आप बबलू के सामने ही चोरी कर रहे हो, ऐसे संस्कार दे रहे हैं उसे? क्या मम्मी, दादाजी अपने घर में क्यों चोरी करेंगे? चोर तो बबलू के कमरे में बोरे में बने पड़े हैं। क्या? क्या? देखो बेटा, हुआ यूं कि ये हुआ। कसम पूरी फिल्म इंडस्ट्री की, एक तरफ पुरानी हवेली और एक तरफ नन्हा फरिश्ता, आप दोनों ने चोरों को पकड़ा कैसे? हाँ, अरे नहीं बेटा, नहीं, तुम्हारी गलतफहमी है, ये सब कुछ मैंने नहीं किया। अरे ये सब कुछ इस नन्हे बहादुर बबलू ने किया है। पर बाद में चोरों ने मुझे भी पकड़ लिया था। हाँ। अच्छा बेटा, और बेटा सही समय पर भग्गू का दोस्त नंदीराम, टोनी साहब का नौकर महादेव, और वो चाबी बनाने वाला शंकर आ गए। इन लोगों ने बेटा हमारी मदद की। एक मिनट पापा जी, पर टोनी जी का तो एक ही नौकर है और उसका नाम किशन है, तो महादेव कौन है? और हाँ, वो नंदीराम आपने कहा, तो इनके तो सारे दोस्तों को मैं पहचानती हूँ, उसमें से एक का भी नाम नंदीराम नहीं है पापा जी। और दादाजी इतनी रात को चाबी बनाने वाला आया कैसे? वही तो, कैसे? बबलू बेटा, तुमने मदद के लिए शिवा को पुकारा था ना? हाँ। कसम त्रिलोक कपूर की, शंकर, महादेव, नंदीराम, इसका मतलब है स्वयं शिवजी आए थे आप दोनों को बचाने। जय भोलेनाथ। ऐसा है, अब जरा उनकी शक्ल हमको दिखवाइए जिन्होंने हमारे रिश्तेदार के घर पर चोरी करने की हिम्मत की है। अरे नहीं बेटा, बहुत खतरनाक प्रूफ है, तुम तो ऐसा करो कि फोन करो थाने और वहां से पुलिस बुलाओ, उनको पुलिस के हवाले करो। हाँ जीजा, जल्दी फोन लगाइए ना। आप चिंता मत कीजिए, देखिए अभी हम इंतजाम करते हैं उनको भेजने। आज तो शिव जी की कृपा से आप दोनों बच गए, वरना पता नहीं क्या क्या अनर्थ हो जाता। ए भोले, ए भोलेनाथ, बस ऐसे ही हमारे साथ रहना हमेशा। जय हो! केवल आज ही नहीं बॉबी बेटा, मैं हमेशा अच्छे और सच्चे मनुष्यों का साथ देता हूं, हमेशा उनके साथ रहता हूं। मेरा मार्ग सच्चाई का है, अच्छाई का है। जो लोग गलत रास्ता चुनते हैं वो मुझसे खुद दूर चले जाते हैं, पर मैं उनसे दूर नहीं जाता, क्योंकि मुझे पता है वो एक ना एक दिन अवश्य सही रास्ते पर आ जाएंगे। मैं किसी को दिखता नहीं, किसी को सुनाई नहीं देता, और ना ही सामने से आकर किसी की मदद करता, पर कुछ लोग हैं जो मेरे बहुत प्रिय हैं, जो सच्चे हैं, जो अच्छे हैं, वो लोग आपकी मदद के लिए आ जाते हैं। जैसे बबलू की मदद के लिए महादेव, शंकर, नंदीराम आ गए। जब आप लोग मुसीबत में होते हैं तो मुझे पूछते हैं, मेरी अर्चना करते हैं, मुझसे मन्नत मांगते हैं, पर उससे कुछ नहीं होगा। आप लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ताकि जब आप मुसीबत में हो तो कोई दूसरा आपकी मदद के लिए आए, क्योंकि मनुष्य ही मनुष्य के काम आता है। मैं तो केवल मार्ग दिखलाता हूं, और जो भी मनुष्य आपकी मदद करता है, आपको सही रास्ता दिखलाता है, वो कोई और नहीं होता, मैं ही होता हूं। और जब आप अपनी अंतरात्मा की सुनकर सही रास्ते पर आ जाते हैं, तो वहां तक लाने वाला कोई और नहीं, मैं ही होता हूं।